मैं और हम आप लेने जा रहे हैं हलीम भाई। अभी अभी हम उठे हैं और हमें लंच करना है। नाश्ता अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, तो ये इसको कुछ फोटोकॉपी करानी है और मुझे भी थोड़ा काम है, बिरयानी लेके आनी है घर पे, एक मेहमान आने वाला है। चले मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, जैसे हम सारा काम करते हैं। तो चले भाई मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो फोटोकॉपी करनी है और इनकी जो रिकॉर्डिंग करनी है और हाँ इन चारों की है, ये दो भी है। A few moments later. क्या चल ये रही हमारी हलीम और ये दवाइयाँ माद भाई वो लेके जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आने तो वो हम लोग लेके जा लेने आएंगे थोड़ी देर के बाद। तो चले भाई अभी हम लोग घर चलते हैं। 1:37 later. तो भाई हमने गफार भाई को दिए हुए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग के लिए। ये दिल भाई माशाल्लाह से आज तैयार हुए हैं यहाँ पे और हमारा भी। अच्छा ये बात बताओ, तुमने मुझे बोला था कि हम लोग बस के लिए जाएंगे, तुमने मुझे बुलाया नहीं वापसी में। तुमने बोला था कि आज हम लोगों को जाना है, नहीं आई भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं यार, डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम वो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले लेके आते हैं, तो मिलते हैं आपको शॉप पे। बड़ी ये मस्जिद कितना है मस्जिद यार। डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास और एक और ही मसला हो गया। बोले तो पकड़ो यार, ये मसला कुछ ऐसा है कि मेरी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। पता नहीं क्या होगा भाई, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। मुना आज मैंने अपना ब्लॉग में सलाम नहीं किया था ना, तो मेरी जगह आप कर लो। अभी करेगा मुना सलाम करेगा आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अशोक शाह आपके साथ, 295 मुंह सुद्दू मुसे वाला उस्मान का छोटा बड़ा भाई। मेरे बड़ा भाई तो भाई अभी हम थोड़ी देर पहले जब आए थे यहाँ पे, दोनों पे दाने थे, एक यहाँ पे भी दाने थे साथ में और इसके साथ भी थे, दोनों भी खाली हो चुके हैं। तो इसमें जाके मकई लेके आते हैं इनके लिए। वेल डन। हमारी शाम की कॉफ़ी और ये हमारे प्यारे प्यारे परिंदे भाई, सारे यहाँ पे मज़े से बैठे हुए हैं। ये तो भाई लव बर्ड अंदर से निकल रही नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। और ये वाले तो अंदर जाते ही नहीं है भाई, एक जाता है तोती मार मार के भगा देती है बेचारे को। और ऐसी ज़िंदगी है भाई कुछ लोगों की, ऊपर हर वक्त पतंग के चक्कर में होते हैं मगर एक पतंग तक नहीं मिलते इनको। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो भाई यार हम लोग भी ऊपर चलते, देखते हैं भाई इनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है हमारे भाई की। ऊपर ऐसे पतंग के इंतजार में बैठे हुए हैं भाई, अल्लाह करे आज एक पतंग मिल ही जाए बेचारे को। अबे साले। तो भाई आज घर पे बन रहे हैं यहाँ पे चावल और इसमें सिर्फ हम लोग ऐड करेंगे एक गरम मसाला और साथ में थोड़ा बहुत प्याज। तो बेस्ट चीज़ जो आपकी होगी वो चावल की क्वालिटी होगी। तो भाई यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट का हमें मिल गया भाई व्यू। भाई
वहाँ पे हमारी एक मुर्गी मज़े से बैठी हुई है और एक ये यहाँ पे छलांगे लगा रहे हैं मुर्गे हमारे। अभी ये यहाँ पे सुकून से बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे सुकून से बैठे हैं। मैंने बोला यार चलो आज इनको एंजॉय करने, तो खाना पीने सब इन्होंने बराबर खा लिया और तोते भी हमारे बिल्कुल मस्त मलंग हुए हैं। फिशर हमारे ग्रीन कलर वाले वो तो भाई निकल ही नहीं रहे भाई बाहर, पता नहीं क्या हुआ, जख्मी है या जिंदा भी है पता नहीं। कभी कल या परसों हम लोग चेक करेंगे इसको कि इसको मसला क्या है भाई, बाहर क्यों नहीं निकल रहे दोनों। और चूज़ा और मुर्गी पहले से यहाँ पे अपने घर में घुस गए भाई, और हम आके इंतजार करते हैं अगर वो ऊपर आ गया तो सही है, नहीं तो फिर उसको मैं रात आ गया भाई। शैतान का नाम जब भी लेता हूँ ना शैतान आवाज हाजिर हो जाता है इधर। बहुत चंगा नाम है ये बंदा, ऐसे ना थोड़ी देर पहले मेरे को लेके गया भाई कजन के घर में, बोलते यार वहाँ पतंग आया हुआ है। मैं अपनी कॉफ़ी छोड़ के मैंने बोला चलो यार कॉफ़ी रख लेता हूँ, रास्ते में जाते हुए कॉफ़ी उठा के ना बंदा जब कॉफ़ी उठा के जाता है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ऑड लगता है बंदा। तो मैंने कॉफ़ी अपनी रखी, मैं इसके साथ चला गया। मैं वहाँ पे गया तो भाई क्या हुआ, दूसरा लड़का वो वहीं से पतंग लेके ना जा रहा है। मेरे को बोल रहा छोड़ यार ये बंदा पतंग लेके चला गया, हम लोग अभी घर जा रहे हैं। घर पे तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या देखा भाई, कॉफ़ी मेरी ठंडी हो गई। मैंने बोला अब बंदे को क्या बोले भाई। 20 minutes later तैयार हो गए भाई फाइनली चावल। 346 minutes later तो गाइस हमने फाइनली खाना वाना सब कुछ खा लिया और हमारा जितना भी काम था सब खत्म हो चुका है। हमने आपको दिखाई बिरयानी भाई, बिरयानी बहुत ज़्यादा वीआईपी बनी थी। असल में ना जो चीज़ जितनी ज़्यादा शादी होती है ना उससे एक अलग ही मज़ा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साथ में आपको एक और बताना बात मैंने बताई भी थी आई थिंक, तो बाद वो कुछ ऐसी है कि भाई अभी मेरे आ गए पेपर्स, तो पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है भाई, मुझे फेल होने का कोई शौक नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि भाई मेरे पेपर अच्छे आए और रिजल्ट भी अच्छा आए। तो हम भी अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि भाई हमारा रिजल्ट और हमारे पेपर्स बहुत अच्छे आए। तो चले भाई इसी अच्छी बात के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलिए आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, टाटा गुड बाय अल्लाह हाफिज। रुको जरा सब्र करो, तो एक मिनट एक बात तो मैं बोलना भूल गया भाई, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और साथ में लाइक तो बिल्कुल करें, एक बार करें दो बार करें तीन बार करें दोस्तों ने कराए करें, लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें। तो बाय बाय।